हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस वीडियो को बनाने में आई एम सो एक्साइटेड आई एम सो एक्साइटेड कि मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं और आई डोंट थिंक सो कि आज तक किसी ने भी इस पर्टिकुलर वीडियो में जो जिससे रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूँ किसी ने भी बात की हो तो ओके कोई भी इस चीज से रिलेटेड बातें नहीं करता और इस वीडियो को देखने के बाद ना आई एम हंड्रेड श्योर अगर आपको स्टॉक मार्केट का ए बी सी डी कुछ भी नहीं आता है ओके आपको स्टॉक मार्केट का एनआर नहीं आता तो बिलीव मी कि आप स्टिल इतने बेहतरीन रिटर्न कमा पाएंगे कि आप सीधे सीधे मैं बताने जा रहा हूं कि आप बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर है ना उन्हें टक्कर दे, दे पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद तो इस किसी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं लास्ट तक बने रहिएगा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे ओके तो तो थम्सअप दे दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा कमेंट करिएगा कोई भी क्वेरीज़ हो और और जितना हो सके प्यार दीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके दूसरे के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा मिल सके खुद ही खुद इसका फायदा मत लेना सब लोगों का साथ स्प्रेड कर दीजिएगा ताकि सब लोगों को पता चले कि हाँ केवल एक सौ तीन रुपये में आपको एक बेहतरीन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ठीक है कि आपने अगर एक सौ तीन रुपए की चीज है ज्यादा महंगी नहीं है तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं जानते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाकी हमारी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो ये पर्टिकुलर नंबर है आप हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो देखिए हम बात करते हैं हर एक वीडियो में जितनी भी हमने आज तक वीडियो बनाई है प्लस दो साल की जर्नी में लगभग हजार प्लस यहाँ पर वीडियो बनाई है मैं हमेशा बात करता हूँ ओके फोर्टी परसेंट के टारगेट की ओके फोर्टी परसेंट का टारगेट हमें अचीव करना है ओके बट मुझे एक ऐसी चीज मिल गई है कि आपको 40% के लिए डेली ट्रेडिंग करने की भी जरूरत नहीं है सिंपली आपने इन्वेस्ट कर दिया वेट वेट और वॉच वॉच जिसे कहते हैं ना एंड अगर बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बता रहा हूँ आपको ना तो इन्वेस्ट करना है टीसीएस में ना इन्वेस्ट करना है आपको इन्फोसिस में ना इन्वेस्ट करना है किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी में ओके और मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि टीसीएस से ज्यादा रिटर्न इस कंपनी ने दी है ओके और इसमें सिंपली कम से कम आपका विजन पांच साल का होना चाहिए जब तक पांच साल ना हो याद रखिएगा इस शेयर को छुएगा भी मत टच भी मत करिएगा एक सौ तो तीन रुपए का है भूल जाइएगा फिर आप जैसा आप करते हो आप करते रहिए बट अगर आप पांच साल का विजन रखते हैं कम से कम तो ये आपके लिए अराउंड होने वाला है और ऐसा ऐसी चीज है कि आप अपने बच्चों अप, उनके बच्चों को भी यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं तो हाई ये वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम बात करने वाले हैं किससे रिलेटेड ई एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड के रिलेटेड बट ईटीएफ में हम बात याद रखिए कोई देखेंगे और भाग जाएंगे इसे देख के भागने वाली चीज नहीं है ओके मैं बात निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ फॉरेन ईटीएफ की आपके जेरोधा में आपके एंजल ब्रोकिंग में आप किसी भी आ, अगर मैं बात करू कोई भी आपके डीमेट अकाउंट हो आप फॉरन का ई टी एफ यहाँ पर सिंपली इन्वेस्ट करके इतने पैसे कमा पाएंगे बेहतरीन जो कि मैं अभी वीडियो में आपको जब चार्ट की बात करेंगे ना तब हम बात करेंगे तब आपको मैं आपको चीजें दिखाती हुआ नजर आऊंगा तो हम बात हम इन्वेस्ट करने वाले हैं किसमें देखिए अभी मार्केट गिरी हुई है ओके अगर मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊं तो आपको पता चलेगा डोजोन्स यहाँ पर देखिए मैं कुछ चीजें थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट चीजें अगर मैं समझाऊंगा तो अभी इसी बात अच्छी से समझाऊंगा वरना ये शॉर्ट में एक मिनट की दो वीडियो दो मिनट की वीडियो मुझसे नहीं बनती ओके okay, मैं पूरी बात करना पसंद करता हूँ तो यहाँ पर लास्ट तक बने रहिएगा देखिएगा तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी गिरावट हो गई है अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके की जब भी यहाँ पर गिरावट होती है तो याद रखिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि ऐसे शेयर में यहाँ पर आ, इस गिरावट में फायदा उठाने का अगर ऐसे टाइम में अगर हम फायदा उठा लेते हैं ना जब भी इस तरीके की गिरावट हुई है मैक्सिम चार्ट पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ तो ऐसे में अगर हम इस गिरावट का फायदा उठाते हैं ना तो लॉन्ग टर्म में ऐसे में हमें फायदा होता हुआ नजर आता है तो अब हम

एक चीज बताऊंगा एक सौ तीन रुपए की है ओके जाके उसमें इन्वेस्ट कर दीजिएगा पैसा बनता हुआ नजर आएगा किसी से पूछने की जरूरत नहीं है किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है बिलीव मी बट

की। तो यहां पर वीडियो में बने रहिए दिखाता हूँ। तो हम बात कर रहे हैं देखिए मार्केट गिरी हुई है तो आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक को यहाँ ले लीजिए एप्पल का स्टॉक भी गिरा हुआ है यहाँ पर फेसबुक भी गिरा हुआ है यहाँ पर अमेजॉन भी गिरा हुआ है ओके यहाँ पर सारे के सारे स्टॉक गिरे हुए हैं और हम सब चाहते हैं कि हम किस में इन्वेस्ट करें हम कोई ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जहां पर हमें अच्छे रिटर्न मिल सके अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके और कुछ भी हमें मेहनत की भी जरूरत ना पड़े सिंपली हम इन्वेस्ट करें रुक जाए और रुकने के बाद हम वेट करें तो ऐसे ही चीज में आपके लिए लेके आऊ देखिए और जब भी ऐसी गिरावट होती है एक से एक पे गया है मैं फेसबुक की बात करूं ओके तो फेसबुक यहाँ पर अच्छी अच्छा खासा यहाँ पर गिर चुका है ओके मेटा प्लेटफॉर्म इसका नाम हो गया यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट तीन से वन हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स uh, मुझे नहीं पता कि इसमें है कि नहीं, मैं आपको बता देता हूं, 100 companies, देख लीजिए ये 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 सारे का सारा जितने भी ओके, ये सारी की सारी की कितनी कंपनी है नेटडेक हंड्रेड की कंपनी है नेटफ्लिक्स भी इसमें इंक्लूड है और में तो मेरी ख्याल से बहुत ज्यादा गिरावट आ चुकी है यहाँ पर एक बार देख लेते हैं यहां पर चीजें समझ में आ जाएगी देखिए नेटफ्लिक्स तो नेटफ्लिक्स में देखिए यह शेयर कितना 700 से लेके से गिर के 174 पे आ गया है तो यहाँ पर इसमें जो 100 की लिस्ट है 100 शेयर अमेरिका के ओके यहां पर वर्ल्ड की कंपनी के इसमें इंक्लूड है तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने का मौका किसी कहीं जाने की जरूरत नहीं है कहीं पर ही आपको कहीं अकाउंट ओपन कराने की जरूरत नहीं है आपके पास जेरोदा है आपके पास एंजल ब्रोकिंग है ओके जितने भी यहाँ पर ब्रोकिंग फर्म है ओके ब्रोकिंग फर्म में आपको दिखा देता हूँ एक बार तो जितने भी ब्रोकिंग फॉर्म में जरूर था आप स्टॉक ग्रो एंजर ब्रोकिंग आईसीआईसी डायरेक्ट एस डी एफ सी डायरेक्ट या किसी में भी आपका एबीसीडी किसी में भी अकाउंट है ओके जितने भी आई एफ एल एस डी एफ सी सिक्योरिटी कोटे मोती लाल शेर खान एस बी आई सिक्योरिटी किसी में भी आपका अकाउंट है सिंपली एक चीज टाइप करना ओके वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको बेहतरीन रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे और एक सौ तीन रुपए एक पीस का यहाँ पर प्राइस है पर पीस का तो हम बात कर लेते हैं ईटीएफ की तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले टीसीएस ओके okay, मैं मैंने हमेशा मैंने आपको कही है कि कम से कम पांच साल और मैक्सिमम आपको कम से कम दस साल बीस साल रखने तभी यहाँ पर पैसा बनेगा तो एक दो दिन की बात नहीं है जिसको आ, यहाँ पर देखिए मैंने डेली से मंथली का चार्ट, चार्ट यहाँ पर ओपन किया है क्यों क्योंकि यहाँ पर डेली में पूरा का पूरा स्क्रीन नहीं आ पाएगा आपको भी पता है तो यहाँ पर मैंने डेली से मंथली का चार्ट ओपन यहाँ पर किया है तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे कर लेता हूँ तो यहाँ पर चीजें समझ में आएगी का है तो ऑब्वियसली ओबीसी लंबा है यहाँ पर देखिए तो हम टी की बात कर रहे हैं मैं यहाँ से लूंगा 2010 से ओके 2010 में यहाँ पर ये कंपनी थी 2009 2010 ठीक है दो हजार यहाँ से ले लेते हैं तीन सौ इक्यावन ओके okay, और अभी तक की बात कर रहा हूं मैं इसके हाईएस्ट लेवल पे मैं बात कर रहा हूं हाईएस्ट लेवल पर तो देखिए इसने जब ये शेयर लगभग के आसपास था हूँ गया भी नहीं है ओके okay, फिर भी यहां पर चार महीने ज्यादा इकतालीस सौ तक ले लिया है कोई इशू नहीं है तो यहां पर रिटर्न कितने दिए चार हजार चार सौ बयालीस दिन में इसने दिए है कितने एक हजार अट्ठासी परसेंट के रिटर्न टीसीएस ने दिए अब बात कर लेते हैं इन्फोसिस की मैं पहले यहाँ पर प्रूफ कर रहा हूँ फिर लास्ट में अपना शेयर बताऊंगा तब आपको यहाँ पर पता चलेगी कि मैं यहाँ पर सही बोल रहा हूँ या मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ आपको यहां पर चीजें समझ में आएगी ओके अब बात कर लेते हैं इन्फोसिस की मैं बड़े बड़े शेयर का नाम ले रहा हूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि हाँ ये शेयर क्यों आ, बता रहे हैं या फिर क्योंकि मल्टीबैगर शेयर की जब बात होती है तो ऑब्वियस ही बात है इन्हीं शेयर का नाम यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी ओके मैं इसे ले लेता हूँ इन्फोसिस को इन्फोसिस की बात करे ओके okay, लगभग ये शेयर अट्ठारह सौ रुपए के आसपास गया था ओके उन्नीस सौ ले लेते हैं तो उन्नीस सौ में यहाँ पर देखे तो देखिए यहां पर ये शेयर ने चार हजार तीन सौ उनचास दिन में ओके okay, लगभग दस साल ग्यारह साल में इसने ये कितने छह सौ पैंतीस परसेंट के रिटर्न दिया टीसीएस -से, से भी कम दी है अब बात कर लेते हैं विप्रो की ओके okay, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे कि बजाज फाइनेंस ओके okay, उसके तो रिटर्न माशाल्लाह काफी कमाल के है ओके okay, तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा मैं बात करूंगा नॉर्मल कंपनी की हम हमारी निफ्टी फिफ्टी में बहुत सारी कंपनी है उनकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये इस कम विप्रो को ले लेते हैं ओके तो विप्रो को मैं यहाँ पर आ, यहाँ पर से लगभग यहाँ से ले लेते ओके okay, तो यहां पर से अगर हम यहां पर देखते हैं विप्रो ने कितने चार लगभग 500% परसेंट लगभग पांच सौ परसेंट के रिटर्न अंदर अंदर? दिए okay, साल मतलब तो पर मैंने बड़ी बड़ी कंपनी के नाम ले लिए और भी यहां ले लीजिए जिस जैसे कि और भी मल्टीप्रेगर स्टॉक है जैसे कि आरती इंडस्ट्री ओके okay, आरती इंडस्ट्री को यहां पर ले लेते ले है तो आरती इंडस्ट्री में आपको यहाँ पर समझेंगे दो से ले लेते दो हजार दस तो यहाँ पर आ जाते हैं 2010, ओके तो यहाँ पर बिल्कुल नीचे आ जाते हैं इसमें फैम में तो 2010 में बात करें तो लगभग हजार रुपए तक गया है शेयर ओके इसने कुछ बहुत सारे जैसे कि मैं बात हमेशा करता हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप ओके अच्छे रिटर्न थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देते हैं और फिर यहां पर ऐसे स्टॉक चुनने के लिए आपको माइंड भी लगाना पड़ेगा ओके okay, बट मैंने आपको टीसीएस में दिखाया मैंने आपको इन्फोसिस में दिखाया ये कुछ जैसे कि ये आरती इंडस्ट्री हो गया दीपक नाइट्रेट हो गया ओके okay, बजाज फाइनेंस हो गया ये कुछ स्टॉक है जो एक्सेप्शन है जो आपको यहां पर ढूंढना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा तब तो आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे तब तो आपको ऐसे इस तरीके के रिटर्न मिलेंगे बट बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी और हजार के भी रिटर्न आपको ईजीली मिल रहे हैं और जब हम फोर्टी की बात करते हैं तो फोर्टी इंटू टेन 400% बट उसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो लगभग डबल और लगा लो तो 800% और 800% से भी ज्यादा 1300% के रिटर्न अगर आपको 10 साल के अंदर-अंदर मिल जाते हैं तो मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूँ, जिसका नाम है मोन 100 अपने किसी भी अजाइएगा

मैंने लिया 2000 यहां पर 2011 से यहां पर डेटा है इसके पास ओके एक फंड तब से आया है तो यहां पर से अगर मैं लिया तो नौ रुपए आठ रुपए के आसपास ये शेयर चलता था यहाँ पर लो देख लेते हैं लगभग नौ रुपए आठ पैसे के आसपास शेयर चलता था और हाई तक गया हूं मैं जैसे कि मैं टीसीएस में गया था इन्फोसिस में गया था उनका तो मैंने और भी ज्यादा ले लिया था ओके इसमें मैं गया हूँ तो लगभग तेरह सौ छियालीस परसेंट के रिटर्न यहाँ पर देख लीजिए तेरह के रिटर्न पर रि तीन हजार नौ सौ चार हजार दिन के अंदर अंदर था यहाँ पर चार हजार भी कंप्लीट नहीं और यहाँ पर तेरह के रिटर्न आपको मिले हैं क्यों क्योंकि ये कंपनी क्या करती है ये कंपनी की अपनी रिसर्च एम्प्लॉयज है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आते हैं ओके वो रिसर्च करते हैं ओके हर एक कंपनी के बारे में हम इनके बारे में रिसर्च नहीं करते तो आपको अगर फॉरन में जो मार्केट गिर गई है और उसमें का फायदा उठाना है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट

कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा कि क्या कैलकुलेशन बनती है तो यहाँ पर ये यह हो गया बट अगर मैं इसे कंपैरिजन करता हूँ निफ्टी ईटीएफ के साथ तो मैंने यहाँ पर लिखा निफ्टी ईटीएफ तो बहुत सारे फंड है जो कि यहाँ पर ई चलाते हैं जो कि बीस के नाम से भी जाता जाना जाता है तो मैंने यहाँ पर एक कैलकुलेशन ये करी कि लगभग यहाँ पर देखिए चार हजार तीन सौ पच्चीस दिन हुए चार हजार पच्चीस दिन में यहाँ पर अगर हम इंडियन इक्विटी में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न मिलता केवल और केवल चार के आसपास का रिटर्न मिलता और हमें टाइम भी ज्यादा देना पड़ता और भी मैं यहाँ पर और भी मैंने यहाँ पर देखा निफ्टी ई ओके okay, तो मैंने यहाँ पर और भी कंपनीज के ईटीएफ देखे मिड कैप मैंने चेक नहीं किया मैंने केवल निफ्टी ही चेक किया तो निफ्टी ही बताऊंगा मैं और कोई नहीं तो यहाँ पर देखेंगे पोटेंशियल क्वांटम निफ्टी फिफ्टी ईटीएफ इसको भी देख लीजिए ओके okay, इसने 510 परसेंट के रिटर्न दी ओके okay, कुछ कंपनी ज्यादा देती है कुछ कंपनी यहाँ पर कम रिटर्न देती है एज पर इनका फिनोमिना होगा क्योंकि कुछ अलग अलग स्टॉक में वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं मतलब तो किसी में ज्यादा किसी में कम तो इस वजह से ऊपर नीचे होता रहता है तो यहाँ पर ये हो गया इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर देखा ओके okay, uh, मैंने पर डाला सिंपली ओके okay, और मैंने यहाँ पर ETF में सिंपली यहाँ पर जो ये है देखिए इनवेस्को ने इसमें गया जो फॉरन की है ओके okay, और इसके साथ भी मैंने यहाँ पर कंपेरिजन किया तो इसे एक बार ओपन हो जान देते हैं थोड़ा सा टाइम ले रहा है तो इसे ओपन किया तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर देखा ये तो अभी आया है वैसे ओके okay, फिर भी यहाँ पर देखे तो इसने uh, ऊपर ऊपर गया जाके नीचे आया सेम बिहेव बिहेव कर रहा है 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 जैसे मार्केट करती है। तो इसका है नहीं बट यहाँ पर हमारे पास डेटा है मॉन हंड्रेड का तो मॉन हंड्रेड ये एक बेहतरीन है कल से ही जाके अभिषेक से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए क्यों क्योंकि 30 परसेंट गिर चुका है और गिरता है एस मोड में यहाँ पर पैसे डालते रहिए तो पैसा बनेगा अब कैलकुलेशन पे आ जाते हैं हम तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर ओपन किया था देखें यहाँ पर ये रहा अगर किसी ने यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ओके मॉर्निंग में नौ रुपए का शेयर बताया था मैंने ओके और मैं दस लाख की बात कर रहा हूँ अगर किसी ने टेन लाख रुपीज यहाँ पर इन्वेस्ट किए होते आ, टेन लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते नाइन रुपीज के हिसाब से ओके दस साल पहले तो लगभग लगभग उसके पास एक लाख ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह शेयर यहाँ पर लगभग होते ओके और आज के दिन में इसका मैक्सिमम प्राइस गया था वन थर्टी नाइन के आसपास में वन थर्टी नाइन से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपने दस लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे ओके okay. और दस लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे दस साल पहले और अभी यहाँ पर वो कितने हो गए एक करोड़ चौवन चौवन लाख चुम्बालिस हजार चार सौ मतलब 1 करोड़ 54 लाख रुपीज के अराउंड यहाँ पर होते हुए नजर आया तो आपका पैसा कितना हो गया केवल 10 साल में और अगले 10 साल और रख देंगे तो यहाँ पर जो कंपाउंडिंग होती नजर आएगी तो ये पैसे और भी बेहतरीन बनने वाले बिलीव में जाके कैलकुलेशन एक बार और कर लीजिएगा और तेरह सौ चौदह सौ परसेंट के रिटर्न मिल गए तो और ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर दस लाख में ही ये कैलकुलेशन आती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर आप टीसीएस में इन्वेस्ट करते हैं डेली मत्था खपाते हैं डेली यहाँ पर स्टडी करते हैं ये करते हैं वो करते हैं और फिर भी यहाँ पर लॉस करते हैं तो ईटीएफ टी यहाँ पर मॉन का ईटीएफ सिंपली जाइए इन्वेस्ट करिए कोई नहीं बता रहा आज मैंने आपको ये बेहतरीन सीक्रेट बताया है और ऐसे तरीके के सीक्रेट और भी यहाँ पर आपको मिलेंगे और भी मैं यहाँ पर रिसर्च कर रहा हूँ ओके मैंने अभी तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की है बट जैसे ही मेरे पास फंड अरेंज होगा ओके थोड़ा बहुत मेरे पास पड़ा है तो बात वादा है, मैं इसमें और डालता हुआ नजर आऊंगा और ये बेहतरीन मुझे चीजें नजर आती है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा वीडियो जरूर बड़ी हुई है बट बेहतरीन हुई है शेयर कर दीजिएगा सबके साथ ताकि सबको यहाँ पर फायदा मिले सो थैंक यू सो मच कॉड ब्लस